नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं फाइनल मॉक टेस्ट, जो कि दरोगा एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो अभी के जितने भी स्पेशल मॉक टेस्ट होंगे, दो चार मॉक टेस्ट जो बचे हुए हैं, वो मैं आप सबको दे दिया करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपका पहला सवाल है, जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? जीने की कला कहने का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। अगला सवाल है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी TH मैमा। अगला सवाल है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इस सबका आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके साथ कास्टिंग सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जातक। अगला सवाल है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र में पावनगर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतीक्षा। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केराटिन। आपका अगला सवाल है, बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अगला सवाल है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति। अगला सवाल है, डेसिपल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराफीन मोम। अगला सवाल है, कोयले के किस
किस्म में मूल पादप द्रव की अभिकेय अवशेष पाए जाते हैं? यह आपका सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीट। अगला सवाल है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारद। आपका अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, आप सबको पता है त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ हो है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तुकला। अगला सवाल है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, जयामिति का पिता किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस। आपका अगला सवाल है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1969 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आइसोनेप शब्द समान डैश वाली रेखाओं का द्योतक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लंबे समय वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में बी निवेश को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निजीकरण। अगला सवाल है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, 1930 में। अगला सवाल है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथी। अगला सवाल है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, डी डच के एल एम। अगला सवाल है, दीव एक द्वीप है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात से हटकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी। आपका अगला सवाल है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका इसका सही उत्तर है। अगला है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्रिट कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अगला सवाल है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का विशालतम
पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल। अगला सवाल है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर बी, 1%। अगला सवाल है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O3 परत को। अगला सवाल है, OTEC का पूरा रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 2011-12 के रेलवे बजट के अनुसार पुरुषों के लिए वरिष्ठ नागरिक छूट बढ़ा दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30% से 50% तक। अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नायपाल ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुगलक वंश। अगला सवाल है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अरविंद घोष ने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द डिवाइन लाइफ। अगला सवाल है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सैडलर आयोग संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, दामोदर सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी है, अरावली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक शीतल धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब इस सवाल में आपको सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ठीक है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में और सूची दो में आपको दिए गए कुछ सवाल जिसको आपको मैच करना है, जिसको आपको सम्मिलित करना है, और आपके ऑप्शन है ये। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संगम योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान है? तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कहाँ पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी में। अगला सवाल है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, यानी सूची एक से सही उत्तर चुन के सूची दो को मिलाना है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जो पौधे एक ऋतु में मरु
विद्युत की तरह और दूसरी ऋतु में जलो विद्युत की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक को किसी आशन्न सुनामी की प्राथमिक चेतावनी माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे ये मॉक टेस्ट अंत तक देखने के लिए। आपके जितने भी स्कोर होते हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।